हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी दोस्त अच्छे से होंगे, खुशबाश होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ विटामिन ई कैप्सूल के बारे में। विटामिन ई कैप्सूल मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि विटामिन ई कैप्सूल जो है एक तो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, हर जगह हमें इजीली अवेलेबल होता है। कोई भी कंट्री हो, कहीं भी चले जाएं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही चीप प्राइसेस में हम लोगों के लिए अवेलेबल होता है। साथ ही साथ इसके जो हमारे बेनिफिट्स होते हैं हमारी स्किन के लिए, वो ऑसम होते हैं। तो आज की पूरी वीडियो में इन डिटेल में बात करूंगी कि विटामिन ई कैप्सूल्स के हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो टिल द एंड इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जब हमारी स्किन डल होती है, डैमेज होती है, बेरोनक सी होती है, उसमें फ्रेशनेस नहीं होती ना, तो हमारी खूबसूरती भी किसी को नजर नहीं आती, कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। तो अगर आप अपनी खूबसूरती को मेंटेन रखना चाहते हो, अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने टेक्सचर को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो विटामिन ई कैप्सूल से बेहतर ऑप्शन और आपको कहीं नहीं मिलेगा। विटामिन ई कैप्सूल एक प्रिजर्वेटिव होता है। मैं अक्सर अपनी होम रेमेडीज में जो है विटामिन ई का इस्तेमाल करती हूँ। विटामिन ई बेसिकली किसी भी चीज की लाइफ को जो है ना, वो एक्सटेंड कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो इसी तरह से जब विटामिन ई कैप्सूल हमारे फेस पर लगता है, तो हमारी फेस की जो स्किन की लाइफ होती है वो बढ़ जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटी मीन्स अगेंस्ट, ऑक्सीडेंट मीन ऑक्सीजन। तो हमारी स्किन को विटामिन ई जो है वो जलने नहीं देता, रिंकल्स नहीं होने देता, ब्रेकआउट से बचाता है। जो हमारी स्किन पर अलग अलग निशानात हो जाते हैं ब्रेकआउट्स के बाद, उनको नहीं होने देता। साथ ही साथ एंटी एजिंग के प्रोसेस को भी डिले करता है। और काफी सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो कि हमारी स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से फेस करते हैं, बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं, हमारी स्किन को डैमेज होने से बचाते हैं। लेकिन गाइस, विटामिन ई ऑयल का सही वे में इस्तेमाल करना ही हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर ऐसे ही हम लोगों ने बिना कोई ठीक तरीका यूज किए विटामिन ई का यूज किया, तो हो सकता है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप विटामिन ई का सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी स्किन को फ्लॉलेस, खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। विटामिन ई इज ऑल्सो अ फोटो प्रोटेक्टिव, यानी कि ये एज अ सनस्क्रीन भी वर्क करता है। यूवी रेस से हमारी स्किन को बचाता है, हमारी स्किन को बर्न नहीं होने देता। तो अगर आपने थोड़ा बहुत विटामिन ई का यूज किया होता है अपनी स्किन पर, तो आपकी स्किन जो है वो जलने से बच जाती है, गर्मी से बच जाती है, आपकी स्किन टैन होने से बच जाती है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर विटामिन ई का यूज किया हो तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने विटामिन ई कैप्सूल का किस तरह से इस्तेमाल करना है, जो कि हमारी स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके, डैमेज से प्रोटेक्ट कर सके। फ्रेंड्स, विटामिन ई ऑयल क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयली होता है, तो अवॉइड करें इसको दिन में यूज करने से। आपने जब भी विटामिन ई ऑयल का यूज करना है, आपने इसको नाइट टाइम में करना है। यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपने रात को सोने से पहले अपना फेस वॉश अच्छे से, फेस वॉश से करना है या फिर आप बेसन से करना है, जिस चीज से भी आप अपना फेस वॉश करते हो आपने कर लेना है। फेस को अच्छे से ड्राई करने के बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर, जो भी आप अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाते हो या नाइट क्रीम लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, आपने उसमें फ्यू ड्रॉप्स, 2-3 ड्रॉप्स विटामिन ई कैप्सूल के ऐड करने हैं और अपने फेस पर अच्छे से लिड के नीचे, आईज के नीचे, नोज के इधर, माउथ के अराउंड, नेक पर, हर जगह पर अच्छे से लगाने के बाद उसका 2-3 मिनट मसाज करना है एंड देन छोड़ देना है। सुबह जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठोगे, आप फेस वॉश करोगे, तो सारा ऑयल तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन जो आपकी स्किन रेडिएंट होगी, इससे आपकी स्किन पर जो नेचुरल ग्लो आएगा वो बेहतरीन होगा। आप सोचोगे कि मैंने इस रेमेडी को पहले क्यों अप्लाई नहीं किया। सेकेंड बहुत अच्छा, बहुत ही इफेक्टिव यूज विटामिन ई कैप्सूल का ये हो सकता है कि आप एक फ्रेश एलोवेरा जेल लो, या फिर आप मार्केट वाली एलोवेरा जेल लो, कोशिश करो ट्रांसपेरेंट हो,
और उसमें आपने फ्यू ड्रॉप्स विटामिन ई कैप्सूल के डालने हैं। इसी तरह से अच्छे से मिक्स करना है एंड देन अपने फेस का 2 से 3 मिनट तक मसाज करना है रात को सोने से पहले। मसाज करने के बाद आपने उसको लगा रहने देना है, देन नेक्स्ट मॉर्निंग वही आपने फेस वॉश करना है और उसके भी आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे, डैमेज आपकी स्किन से कहीं दूर भाग जाएगा। थर्ड बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट यूज, आप क्या करो, किसी भी बॉटल में या किसी भी डब्बी में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लो और उसमें थोड़े से फ्यू ड्रॉप्स आपने डालने हैं विटामिन ई कैप्सूल की एंड देन अच्छे से उसको मिक्स करो और अपने फेस पर अप्लाई करो और अच्छे से 2 से 3 मिनट मसाज करो जब तक ये आपकी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट ना हो जाए, जल्द ना हो जाए। आपने मसाज करना है, मसाज आप अपने हैंड्स एंड फीट का भी कर सकते हो। वैसे भी विंटर्स आने वाला है तो विंटर्स के लिए विटामिन ई कैप्सूल एक बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है जो कि हमारी स्किन को बहुत अच्छे से रेडिएंट बनाता है, स्मूथ बनाता है, ड्राइनेस नहीं होने देता, बहुत ही अच्छा सा नेचुरल ग्लो लेकर के हमारी स्किन पे आता है। तो आपने क्या करना है, मसाज करने के बाद लीव कर देना है, देन नेक्स्ट मॉर्निंग फेस वॉश करना है। आप देखोगे कि आपकी स्किन एकदम से चेंज हो गई है, लेकिन चेंज वही बात है कि एकदम से नहीं आता, फौरन ही नहीं आ जाता। आप कि अगर स्किन बहुत ज्यादा डैमेज है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको रिकवर होने में। तो क्या करना है, आपने इसको रेगुलर बेसिस पर अप्लाई करना है। अगर तो आपकी ड्राई स्किन है तो आपने रेगुलर बेसिस पर इसको अप्लाई करना है। इन तीनों रेमेडीज में से कोई भी रेमेडी आप सिलेक्ट कर लो, जो भी आपकी स्किन पर सूट करे, जो आपको बेहतर ऑप्शन लगे वो आप लोग लगा सकते हो अपने फेस पर। लेकिन आपने इसको फॉलो करने के लिए आपने रेगुलर बेसिस पर फॉलो करना है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने हफ्ते में 3 दिन इन रेमेडीज में से किसी एक रेमेडी को यूज करना है। जब आप इसको तरीके से सही वे में यूज करोगे ना तो ही आपका सही और जल्दी रिजल्ट आएगा आपके फेस पर। आप सोचोगे कि आपको ये रेमेडी पहले क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं आपने विटामिन ई कैप्सूल यूज करके अपने फेस टेक्सचर को इम्प्रूव किया। तो फ्रेंड्स, अगर आप सही से फॉलो करोगे, सही से इन रेमेडीज को अपनाओगे तो यकीनन आपकी स्किन टेक्सचर बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा और विंटर्स में तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो उम्मीद करती हूँ आप इन रेमेडीज को जरूर अपनी डेली रूटीन में फॉलो करोगे और दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।